आत्मिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पगर्भस्य कृपासिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनिकापदाकौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कस्तूरितिलकमललाटपटले बक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रिपरमोक्तिकं करतले करीचकङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलि गोपास्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चुड़ामणि राधा करावचित पल्लभ वल्लरी के राधा पदांक विलस मधुरास्थली के राधांजस मुखम खंगांगबलिके राधा विहार विभिदे रमतान मनोमे भक्त्या विहीनापराध लक्षे हिप्तासितमावितरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नं वृंद नमस्ते चरणारविंदम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ जय गोसाई करी चरण बंदा जाहा हय के विघ्ननाश अभीष्ट पुरन तमादि देवं करुणा निदानम तमाल वर्णम श्रुतावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतम स्वरूपम जंग प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायन विरहकातर आयुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुम स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मि नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं दिरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ पकड़े बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नित लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म
नितलीला प्रविष्णु विष्णु पादोत्तर सिद्धश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोवर श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे भगवान सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ठाकुर जी कैसे लीला कर रहे हैं। अभी कृष्णा धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ठाकुर जी कितने बड़े हो गए? बोले 3 महीना के हो गए। अब देखना जो बच्चा 3 महीना का होता है वो करवट अपने आप लेता है। एक दिन कन्हैया ने अपने आप करवट ले लिया, मैया को थोड़ा खुश हो गया, बोले लाला का शरीर में ताकत आ गया। और कृष्ण का नंद बाबा का बेटा राजा का बेटा है, मैया सुजग ढूंढती है कब कोई मौका मिले और लाला के लिए मैं उत्सव करूं। कृष्ण ने जब करवट लिया, मैया ने अड़ोसी पड़ोसी जितनी गोपियों को बुला लिया, बोले लाला ने आज करवट लियो है, आज करवट लीला की हम उत्सव मनाएंगे। अभी कृष्ण को मैया जशोदा स्नान करा के बैलगाड़ी को नीचे लेटा दिया और गाड़ी को ऊपर में जितने दूध दही मक्खन को रख दिए। बोले क्यों? बोले गोपियां आकर कभी भजन गाएगी, लाला का कच्चा नींद टूट जाएगा, तो अभी लाला को संभालो ना, घर में जो अतिथि आएंगे उनको संभालो। सब गोपियां बैठ करके बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, खिली तेरी बगरी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम योगियों का हृदय, योगियों का हृदय में भी नहीं,
मेरे रहते हुए कहा एक जगह पर जहां पर मेरे भक्त जन मेरे कीर्तन करते हैं, मेरे जो कीर्तन करते हैं मेरे कीर्तन का बीच में रहता हूँ। इसलिए घर में अगर हम कीर्तन करेंगे ना, गोपियों ने जब गोपी गीत गाई ठाकुर जी को प्रकट होना ही पड़ा। घर में अगर हमारी हरि कीर्तन हो फिर ठाकुर जी कहीं नहीं रह सकते, ठाकुर जी का आपको घर में आना ही पड़ेगा। अभी कृष्ण अपना भजन का आनंद लेना चाह रहे हैं, लेकिन अभी कृष्ण कितने दिन के हो गए थे, कितने दिन के, 3 महीने के। अभी आज ही ठाकुर ने करवट लिया, अभी घुटन पर भी चलना नहीं आता, अभी कृष्ण कैसे आ रहे हैं। अब देखना बच्चा ना रोधन बल, बच्चे अगर रोए ना फिर भैया गोद में उठा करके ले आते हैं। कृष्ण ने सोचा अगर मैं थोड़ा रो मैया का कान में पड़े फिर मैया मेरे को ले जाएगी। इतने में कृष्ण रोना शुरू कर दिया, बड़े जोर जोर से रोए, लेकिन इधर तो कीर्तन चल रहे थे, मैया लेन देन में लगी हुई, कौन आ रहा है, किसको कहाँ बैठाना, क्या देना। अभी मैया का कान में रोने की आवाजें नहीं पड़ा। कृष्ण सोचा इतना तो रो लिया और कितना रो, अभी तक तो मैया मेरे को उठा कर ले ही नहीं रही। इतने में कृष्ण की इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति मतलब कृष्ण जब कोई इच्छा करते हैं उनकी जोग माया सारी इच्छा को पूरी कर देती है। ये जोग माया कंस मामा को प्रेरणा कर दिया। कंस ने एक दैत्य को भेजा जिसका नाम था सकटासुर। ये पूर्व जन्म में हिरण्यनाथ का बेटा उत्कच था, एक दिन लोमहर्ष ऋषि के आश्रम में प्रवेश करके सारे बाघ उसने उजाड़ दिया। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बोले भगवान की बात, ठाकुर के लिए फूल लगा हुआ और भगवान इसलिए तेरे को मोटे सोते बनाए, ठाकुर जी की बात को संतों की बात को उजाड़ने के लिए। बोले जो शरीर में तुम्हारी इतने अभिमान में अभिशाप देता हूँ, शरीर ही नहीं लगेगा। सचमुच से उसको शरीर गायब होना शुरू हो गया। उसने तो कहा ये क्या हो रहा है, अभी उसका सारे नशा उतर गया। ऋषि की चरण में गिर पड़े, संत दयालु होते हैं, बोले ठीक है बेटा तेरा उधर होगा, जब कृष्ण द्वापर युग में आएंगे इनके चरण स्पर्श से तेरे मुक्ति मिलेगी। अभी वही कंस उसको भेज दिया, शरीर थी नहीं, आकर को देख रहा है कृष्ण कहाँ पर, देखा कृष्ण बैलगाड़ी के नीचे लेट रहे हैं, सोचा गाड़ी के ऊपर सवार हो जाता हूँ, धीरे 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 दबाते दबाते ऐसे दबा दूंगा कृष्ण तो नीचे लेट होंगे, पीस ही जाएगी। कृष्ण ऊपर में देखा, बोले भैया मामा जी आ गए, कंस मामा लगते हैं ना और उनका संबंधी सब मामा ही लगते हैं। बोले मामा जी आए जरूर कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। वो आ करके तो बैलगाड़ी में सवार हो गया और गाड़ी को धीरे 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 दबा रहा था, कृष्ण नीचे लेट हुए थे। कृष्ण थोड़ी सी अपना कोमल चरण को चलाए, ऐसे चरण की ठोकर लगी एकदम गाड़ी पलट गई, जितने दूर गई सब के सब धसन से हो गया और वहीं पर राक्षस अपना शरीर छोड़ दिया। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, कृष्ण जो है वो भगवान है। कृष्ण में कितने शक्ति दिखा रहे हैं, 6 दिन में उतने पुतना मार दिया, इनकी होठ में कितने शक्ति दिखाया, अभी कृष्ण का चरण में कितने शक्ति, केवल 3 महीना के कृष्ण चरण लगते ही इतने बड़े दैत्य को मार डाले ठाकुर। बोले क्यों, बोले कृष्ण स्वयं भगवान है, ठाकुर जी स्वयं भगवान है। इतने में सारे ब्रजवासी भागते भागते आए, ये गाड़ी पलटी तो पलटी कैसे, दूध जैसे तसने से हो गया, लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने देखा था, बोले भैया भैया हम बताएंगे गाड़ी कैसे पलट गई। बोले कैसे पलटी गई, बोले लाला की चरण की ठोकर से। मैया बोले लगता है भांग की गोला ज्यादा खा ली, अरे लाला अभी 3 महीना के आज हुआ करवट लिया और इतने बड़े सकट बैल गाड़ी लाला की चरण की ठोकर से गिर गया। मैया को विश्वास नहीं हुई, इतने में मैया ने लाला को उठा करके ले गई और बीच में लेटा दी जो गोपियां बैठी हुई थी। फिर गोपियों ने बोले जियो श्याम लाला जियो नंद लाला तिली तेरी पगई रंग काला, जियो श्याम लाला जियो नंद लाला तिली तेरी पगड़ी। Thank you.
करता ही नहीं। ये लीला गंगा ठाकुर जी क्या शिक्षा क्या देते हैं, ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, देखो उत्सव मेरे हो रही है और मेरे को तुमने अलग कर दिया, और कहाँ ले कर दिया, बोले बैलगाड़ी को नीचे, घर के सामान कहाँ रख दिए ऊपर, मतलब क्या सांसारिक की वस्तु तो घर में कर दिया मुख्य, और ठाकुर जी को कर दिया गौ, ठाकुर जी को कर दिया छोटा, और जो उत्सव हो रही थी वो उत्सव से ठाकुर जी को अलग कर दिया। इतने में कृष्ण को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने मारे चक्र चरण की ठोकर उल्टा दिया। ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, देखो घर में अगर हमारी उत्सव होना, जैसे बच्चे का बर्थडे बना रहे हैं, अपना शादी की सालगिरह, बस शादी को भी कोई भी उत्सव होना, कभी भी ठाकुर को वहां से अलग मत करो। इन्हें हम यही करते हैं, सारा दुनिया को बुलाएंगे, डिस्को डांस करेंगे, पता नहीं कितना बोतल तुड़वाएंगे, कितने मुर्गा का मार डालेंगे, पता नहीं क्या क्या करके उल्टा पुल्टा गंदी काम से पैसा लगाएंगे, लेकिन जिसने तुमको दुनिया दिया, जो कुछ दिया घर में चुपचाप रहो, उसके लिए कुछ नहीं, हर दुनिया लोगों के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। ठाकुर जी कहते भैया ऐसे करोगे ना, एक दिन ऐसे ठोकर मारूंगा, सब पलटूंगा तुम्हारे, सब सत्यानाश कर दूंगा, इसलिए सबसे पहले क्या करो, अपने आप को मत देखो, पहले देखो ठाकुर के लिए कोई कपड़ा है कि नहीं, घर में जो प्रसाद खाना बनता है क्या ठाकुर जी के लिए बनता है ना, दुनियादारी के लिए बना रहे हो, जिसने सब कुछ दिया पहले उसके लिए करो, दुनिया के लिए कर मत करो। देखो संसार में जो ज्यादा करते हैं ना, ध्यान देके सुना, अक्सर करके संसार में जो ज्यादा काम करते हैं दूसरों के लिए, परिवार में कैसे खुश रहेंगे, पति को कैसे खुश रखे, बीवी को कैसे खुश रखे, बच्चों को कैसे खुश रखे। आपसे एक प्रश्न करता हूँ, अभी तक तुम्हारे ऊपर कोई प्रसन्न है घर में, बोलो अभी तक तुम्हारे घर में कोई प्रसन्न खुश है तुम्हारे ऊपर में, देखा ना, साथ बहू की निंदा करते हैं, बहू सास की निंदा करते हैं, परिवार वाले तुम्हारी चुगली के सिवाय तुमको कुछ देने वाले नहीं भैया, करो तो ठाकुर जी के लिए करो। सुदामा ने दो मुठी चिड़वा दिया ठाकुर त्रिभुवन के राज्य दिए, भगवान की अंगुल कट गई तो द्रौपदी ने साड़ी फाड़ करके बैंडेज कर दी। ठाकुर जी सोच रहे इसका रीडिंग में कब उतारू, जब भरी सभा में लाज जा रही थी, द्रौपदी का कितना पति थे, अरे बोलो कितने पति थे, कोई पति काम में आया उसको, वस्त्र हरण में कोई पति काम में आए, आए तो कौन आए, अरे बोलो कौन आए भैया, वही काम में आने वाले, कोई तुम्हारी काम में आने वाले नहीं, इसलिए भैया जो काम में आने वाले ना उसके लिए करो, बिना काम जो करने वाले उसको पीछे तो कुछ करो। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं सबसे बड़ा जो संपत्ति मैं हूं, अब मेरे को तुम उत्सव से तुम अलग कर दिया, तुमने मेरे से बड़ा संपत्ति थोड़ी जगत में कोई है, भैया मेरे को कहीं अलग अलग करो, नहीं तो ठोकर मार के सब बिगाड़ दूंगा। बस वृंदावन बिहारी लाल की। देखना बच्चे जब करवट लेता है वो अपना, जैसे सांप चलता है ना, बच्चे घिसड़ते घिसड़ते चलते हैं, कोई चीज देखे उसको पकड़ना चाहते बच्चों का स्वभाव है। कृष्णा तो बड़े नटखट है, अभी सोच रहे घर से बाहर निकली, लेकिन पहले घर में चौकट होता था, जो दहेल है ना चौकट हुआ करता था घर में, अब देखना सब पुरानी, अभी तो किसी घर में चौकट नहीं है, पहले चौपट हुआ करती थी, और नंद बाबा का बड़ा चौपट था, कृष्ण घिसड़ते घिसड़ता आए चौपट के ऊपर में आ गए, आ करके अभी चौपट था ऊंचाई आधा शरीर बाहर और आधा भीतर, इतने में कृष्ण तो पूरा लटक गए। उसी समय में नारद जी लोमर से ऋषि को लेकर के आए थे, चलो ठाकुर जी कैसे लीला करते हैं दर्शन करके आ रहे, आए तो देखा ठाकुर जी लटक रहे हैं और रो रहे हैं, क्योंकि बाहर भी नहीं जा पा रहे अंदर भी नहीं आ पा रहे, लटक चौकटों के ऊपर लटे थे, बोले भैया इतने लटके तो भगवान है, अरे ये रो रहे हैं। इसको देख करके नारद जी बड़े जोर से ठा लगा करके हा 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 कर हंसे, थोड़ी देरी बाद में फिर रोए। ऋषि ने पूछे नारद जी पहले अब हंसे फिर रोए क्यों, बोले इसीलिए मैं हंस रहा हूँ, देखो जिनके नाम लेने से जीव भव सागर से पार हो जाए क्या वो चौकट को पार नहीं हो सकता है। फिर ठाकुर जी सो लीला क्यों कर रहे हैं, बोले केवल भक्तों का आनंद, भक्त लोग मेरी ये लीलाओं को स्मरण करें और आनंद में डूबे रहे, भक्तों का सौभाग्य को देख करके मैं हंस रहा हूं,
बोले रोए क्यों? बोले जो लोग भगवान के निराकार मानते हैं, भगवान का रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, ये लीलाओं को वो स्मरण नहीं करते क्योंकि भगवान को तो निराकार मानते हैं। जो निराकार मानते हैं वो भगवान को क्या मानेंगे? इसलिए उनकी दुर्भाग्य को सोच सोच करके मैं रो रहा हूँ, ठाकुर कितने सुंदर लीला की जीवों को कल्याण करने के लिए, लेकिन ये दुर्भाग्य जीव भगवान को निराकार मानते। इसलिए भैया निराकार नहीं है भगवान जी हमारे, हमारे भगवान का साकार है, भगवान कृष्ण ही, ठाकुर जी राम ही, भगवान श्री नारायण देव हनुमान जी का जन्म जयती ना, जन्म जयती हनुमान जी है ना, हनुमान जी जन्म लिए आए, जन्म लिए तभी तो जन्म जयंती मना रहे हैं। जो निराकार की क्या जन्म मस्तो मनाओगे, उसका तो निराकार है, उसको क्या जन्मोत्सव मनाओगे, उसकी कथा क्या सुनोगे? इसलिए यहाँ पर कहते हैं उनके लिए मैं रो रहा हूँ कि कितने दुर्भाग्य जो भगवान को निराकार मानने वाले। अभी ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हुए, जब बड़े हुए एक दिन मैया यशोदा कृष्ण और बलराम को बड़े सुंदर श्रृंगार किया, स्नान करके चोटी में हीरे मोती की बड़े सुंदर चोटी में माला को बांध दी, बड़े सुंदर कपड़ा पहना दिया, तिलक लगा दी। बोले कन्हैया और बलवा जा, तुम दोनों खेलो, मैं घर की काम करती हूँ। कृष्ण ने सोचा जब जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ पड़ती है, मैया हमको गोबर और गोमूत्र से और गो रज से हमें ये तिलक लगाती है। भैया ये गोमूत्र गो रज में क्या है चीज? कृष्ण बलराम पास में गैया बदते हुए थे, बोले चलो आज अपना शरीर में गोमूत्र और गोबर लगाएंगे। कृष्ण बलराम गए, जितने गोमूत्र गोबर था ना सारा शरीर पे पोत दिए, और दोनों भैया बैठे हुए। थोड़ी देर बाद में भैया ने देखा, भैया लाला दोनों गए कहाँ, यहीं पर तो थे। बोले कन्हा बलुआ तुम दोनों कहाँ हो? बोले भैया हम यहाँ हैं। बोले वहाँ क्या कर रहे हो? जा कर देखा सारा शरीर में कीचड़ कीचड़ में होते हुए। मैया बोली अभी अभी तुम दोनों को स्नान करके श्रृंगार किया, अब अभी अभी सारे श्रृंगार तुमने बिगाड़ के दोनों भैया कान पकड़ लिया। बोले क्यों रे? बोले तुम सुकर ऐसी गत पो तनारे। बोले क्या तुम दोनों पहले जन्म में सुअर थे? ये सुअर ही कीचड़ गोबर में लौट पोट खाते है। इतने में कृष्ण अपना सर पहला रहे। बोले मैया में तो सत्य युग में मैंने बराह अवतार बनाया, भगवान का सुअर अवतार ना। बोले सत्य युग में मैं तो बराह अवतार था, सुअर अवतार, लेकिन तेरे को कैसे पता चला मैं सुअर था? देख आज ठाकुर जी देखो गोमूत्र और गोबर है ना, अभी तो सब कुछ सीमेंट हो गया, टाइल से हो गया, पत्थर हो गया, लेकिन घर को पहले किस चीज में पोता लगाया करते थे? कभी लगाया गोबर मिट्टी से घर को पोता लगाया? कभी लगाया है ना है पहले, क्योंकि अभी साइंटिस्ट इन लोगों को रिसर्च करके गोमूत्र से इतने मेडिसिन निकालते हैं, ये गोमूत्र में इतने मेडिसिन, अगर कोई रोज गोमूत्र सेवन करना, अभी जो कोरोना आया था कभी जो व्यक्ति ये गोमूत्र सेवन कर रहा था उनको पर कभी भी कोरोना अफेक्ट नहीं करेगा, कभी भी कोरोना उसको पर में कोई असर नहीं करेगा। बड़ी सी बड़ी बीमारी ये गोमूत्र से, ऐसे कोई बीमारी नहीं जो गोमूत्र से सही नहीं होता है। अब साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके, अभी वहाँ पर धूप बेच रहे थे ना गोबर का, गोबर की वहाँ पर धूप बेच रहे थे, साबुन निकालते हैं गोबर का, अभी कितने गोमूत्र गोबर से कितने मेडिसिन अभी निकलते हैं। इसलिए ठाकुर जी गोमूत्र गोबर की महिमा को दिखाने के लिए, गैया माता की महिमा को दिखाने के लिए कृष्ण ने, ठाकुर ने इतने सुंदर ठाकुर जी दिला दिए है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी कृष्ण जब धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे थे, अभी तक इनका कोई नामकरण नहीं किया, लेकिन इसमें एक गड़बड़ी हो रही है। नंद बाबा सोच रहे हैं लाला मेरा है, लेकिन वसुदेव महाराज सोच रहे हैं लाला मेरा है, सचमुच से दोनों का लाला है। एक दिन वसुदेव महाराज उनका जो पुरोहित था गर्गाचार्य को बुलाए, बोले गर्गाचार्य जी आप तो त्रिकाल दृष्टा है, आप सब जानते हो कृष्ण मेरा ही लाला है, मैंने राता रात लेकर गोकुल में रख करके आया हूँ, आप एक बार गोकुल में चले जाओ, मेरे लाला का नाम वर्ण करके आओ, और ऐसे एक नाम रखो जो मेरे नाम से जुड़ा हुआ हो। गर्गाचार्य कितने खुश हुए, अहो भाग्य,
ठाकुर जी का नाम क्या होता है। वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी सत्य युग में बोले थे, बोले बेटा तुम इसमें कुलपुरहिताई करो। वशिष्ठ जी मना कर रहे थे, बोले मैं नहीं करूँगा कुलपुरहिता, क्यों उसमें बड़े पूरा भला सुनना पड़ता है, इस सब जजमान का सारे पाप को लेना पड़ता है, ये गंदा काम मैं नहीं करूँगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा देखो बेटा इसी सूर्य वंश में एक दिन प्रभु राम आने वाले, जब प्रभु राम आएंगे उनकी सारी लीला में नाम करना संस्कार करना करना भेद मुंडन उनको पढ़ाई लिखाई सब तुम्हारी हाथ में होगा बेटा, इसी पुरोहित का काम करते करते एक दिन तुमको संसार से मुक्ति मिलेगी क्योंकि ठाकुर की सेवा करने को मिलेगी। इसलिए वशिष्ठ जी उन्होंने ग्रहण किया था, बोले ठीक है। इसे जब गर्गाचार्य को बोले नाम करने करने के लिए जाओ, बड़े खुश हो गए, बोले क्यों, बोले ठाकुर जी को गोद में लेंगे। ठाकुर जी अब कितने बच्चे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मन्ने बच्चे, बच्चे गोद में लो दाढ़ी पकड़ता है कपड़ा पकड़ता है देखना बच्चे जैसे, इसलिए और भगवान को गोद में लेना कोई साधारण बात है। बोले यद्यपि समाधि सुविधि पश्यति न तब नखाग्र परिचित, बोले जिनकी चरण को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर नारद कठोर तपस्या करते हैं आज उसी भगवान को गोद में लेना कोई साधारण बात है, बोले मेरे जीवन में धन्य हो जाएगा। इसलिए बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न होकर के बोले ठीक है मैं जाता हूँ। अभी कहाँ आ गए नंद बाबा का घर में, नंद बाबा देख कर भी इतने प्रसन्न हो गए, बोले महत विचलणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निस्रसाय भगवान अन्यथा कल्पते कुछ। नंद बाबा कहते हैं संत लोग घर में क्यों आते हैं, क्या हमसे लेने के लिए, बोले नहीं हमें देने के लिए आते हैं, हम जो घर गृहस्थी जो माया को अंदर में फंसे हुए हमें जगाने के लिए आते हैं, जगो उठो भगवान से वायदा करके आए थे भजने के लिए, कितने समय प्रभु की भक्ति करते हो इसलिए हमें जगाने के लिए आते हैं। इसको देख करके नंद बाबा प्रसन्न हो गए और अपने आप बोल पड़े, जब आप कृपा करके आए हो मेरे दोनों लाला का नाम करने कर दो। इतने में गर्गाचार्य बोले देखो अगर मैं नाम करने करूँ आपको पर कोई विपत्ति आएगी, बोले क्यों, बोले अभी तक तुम्हारी जो लाला है कुतना को सकटा सो और तिना वर्त को मार चुका है, अभी कंस का मन में एक डाउट आ रहा है, ये जो आकाशवाणी हुई थी देवी ने बोली थी अष्टव गर्भ का संतान काल बनेगा कि वसुदेव का तो लाला नहीं, मैं पुरोहित तुम्हारा नहीं पुरोहित नहीं कर गया, मैं तो वसुदेव महाराज के मैं पुरोहित हूँ, अगर तुम्हारे बच्चा का नामकरण करता हूँ अगर कंस को पता चलेगा तो सोचेगा भैया गर्गाचार्य मथुरा से क्यों गया था, उसका तो पुरोहित तो वहीं पर है, इतने दूर से क्यों जा करके कृष्ण बलराग में नामकरण किया, उसका मन में शंका आ जाएगा। बोले बात सही बता रहे, बोले एक काम करो हम बच्चे के लिए कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, गैया को बीच में किसको पता नहीं चलेगा आप दोनों बच्चों का नामकरण करा दो। बड़े प्रसन्न हो गए और देवकी और मैया जसोदा कृष्ण बलराम को लेकर के आए, जब लेकर के आए सबसे पहले नामकरण करके बड़े भैया को, लेकिन अभी अभी मैया जसोदा और श्री देव मैया जसोदा और रोहिणी ये सोच रहे हैं ये जो पुरोहित आए हैं सचमुच से ये सब कुछ क्या जानते हैं ना कैसे है, इसलिए उन्होंने जान बुझ कर क्या किया कृष्ण को ले लिया मैया रोहिणी और जो बलदेव प्रभु को ले लिया मैया जसोदा, अगला बदला करके बोले देखते हैं ये जो पुरोहित सब जानते कि नहीं, लेकिन गर्गाचार्य तो त्रिकाल दृष्टा ऋषि तो इसलिए एक गर्ग संहिता ग्रंथ है, हैं इसलिए क्योंकि ज्योतिष है गर्गा गर्ज गर्ग संहिता थी, इसलिए गर्गाचार्य जब ध्यानस्थ होकर के उन्होंने सब कुछ उन्होंने देख लिया, बोले अयम ही रोहिणी पुत्र, अयम ही रोहिणी पुत्र, लेकिन जसोदा जो रोहिणी पुत्र को लिया था बोले अयम ही रोहिणी पुत्र, ये जो बेटा को जसोदा ने लिया है ये जसोदा की लाला नहीं ये रोहिणी के बेटा है। मैया बोली ये तो पक्का ज्योतिष है ये सब जानती है, देखना जब ज्योतिष होते हैं ये लोग अगर पहले
एक दो बात को सही बता देना, फिर लोग को विश्वास होता है, उसके बाद में जो कुछ बोलो बोलते रहो, लेकिन पहला बात लग जानी चाहिए, पहला बात लग जानी चाहिए। बोले भैया ज्योतिष पक्को ज्योतिष है, बोले अयम हीरोइनी पुत्र रामयान सुहीद गुणई, ये जो बेटा है इसका नाम बलराम होगा। बोले क्यों? बोले इनके अंदर बला धिक्याद बलम विदु, बड़ा ताकतवान होगा हैं। और किस चीज की शक्ति देने वाले? बोले भक्ति को शक्ति देने वाले यही है। क्यों? आदि गुरु श्री बलदेव प्रभु, और सबको ये आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। लेकिन इसका और एक नाम होगा संकर्षण, क्योंकि पहले ये देवकी आई, देवकी गर्भ में इनको योग माया आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापित की, इसलिए इसका नाम एक संकर्षण भी होगा। बोले श्री संकर्षण प्रभु की जय, बोले श्री बलराम प्रभु की जय। अभी कृष्ण का नाम करण करेंगे। गर्गाचार्य जब ध्यानस्थ लगाए, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने देखा, अभी वो तो चक्कर में पड़े गए, भैया इसका नाम क्या दे, क्योंकि जिसका एक दो चार पांच नाम हो तो फिर कोई नाम दे सकता हूँ। बोले दुनिया में जितने नाम सब इसी का ही नाम है, कृष्णा गोविंद दामोदर ऋषिकेश है राधा का, कितने ठाकुर जी का नाम है, कितना हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। अभी तो वो चक्कर में पड़े गए, भैया बेटा का नाम कर तो क्या नाम करो, अनंत नाम ठाकुर जी के। इसलिए हमारे एक संत ने एक भजन लिखा है, सारे ठाकुर जी के नाम को दे देकर भजन लिखे। बोले हरि नाम तो अनेक स्वरूप, हरि नाम तो अनेक स्वरूप, इसलिए कृष्ण कहते हैं ना जदा जदा ही
धर्मस्य ग्लानिः भवति भारतम्। मैं युग युग में अवतीर्ण होता हूँ। सत्य युग में तुम्हारी लाला ये शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, त्रेता युग में रक्त वर्ण, और जब कलयुग आएगा ना, ये द्वापर युग में कहने गंगाचार्य, ये जब कलयुग आएगा तुम्हारी लाला श्री नवद्वीप धाम में सच्चिदानंद गौर हरि बन करके, श्री जगन्नाथ मिश्र सच्ची माँ की बेटा बन करके, श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके आएंगे। ये द्वापर युग में गंगाचार्य बताई बात, कलयुग में कृष्ण ही महाप्रभु रूप में आएंगे, जगत में सर्वत्र हरि भक्ति को जगत में प्रचार करेंगे। लेकिन अभी जो तुम्हारी लाला ये कृष्ण दाम कृष्ण वर्ण लेकर के आया, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण नाम होगा। जो कृष्ण नाम क्यों दिया, कृष्ण मतलब हम सोचते हैं जैसे कोलताल जैसे काले, बोले नहीं, कोलताल जैसे काले नहीं। उदाहरण दिया इंद्र नील मणि एक मणि है, बड़ी सुंदर देखने में, घन श्याम है। कृष्ण इसलिए नाम दिए, अब बहुत सारे रंग को मिला, देखना अलग अलग रंग होगा, लेकिन थोड़ी सी काला रंग मिला तो सारे रंग काला ही काला हो जाएगा। मतलब कि अगर काले रंग में एक बार कोई रंग गया ना, फिर भैया चढ़े ना दूसरे रंग उसको, फिर कोई रंग नहीं चढ़ने वाला, उसको फिर कोई रंग नहीं चढ़ने वाले। काला मतलब होता है सुंदर, इसलिए भगवान का एक नाम घन श्याम है। बोले घन श्याम क्यों हुआ, जब मेघ मेघ जैसे रूप है, ये मेघ कब बरसाता है, बोले जब पानी इकट्ठ हो जाता है, पानी का एक नाम कृपा है। मतलब जो भगवान कृष्ण है, कहते हे कृष्ण करुणा सिंधो, इसलिए उनको घनश्याम बताए, इसलिए भगवान बड़े दयालु, भगवान बड़े कृपालु। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तब उन्होंने जुग जुग की अवतार की बात सुना रहे थे। वहां पर मैया जसोदा बैठी हुई थी, मैया को बुढ़ी उम्र में बच्चा हुआ। हर माताएं क्या सोचती है, मैया सोच रही है ज्योतिष तो बिना बात की कहा, बिना बात की बात बता रहे हैं। सत्य युग में था, अरे हमारे क्या मतलब है, माताओं का क्या मतलब है, बड़े बूढ़ी जो माता है इनकी मतलब लाला जल्दी जल्दी बड़े हो जाए, लाला की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, फिर माताओं को विश्राम मिलती है। इसलिए मैया सोच रही ज्योतिष तो ये बताए भैया लाला का कितना शादी होगी, कहाँ होगी, कितने बहुएं होगी, ये बात तो बताओ, बूढ़ी में हो गई हूँ, अभी तक घर का काम काज कौन करेगा। मैया ये सोच रही थी। देखो उन्होंने एक श्लोक बताए, लेकिन ये श्लोक का दो अर्थ होता है। बोले बहुनी संति नमानी सुतस्य तबात्मज, इसमें गंगाचार्य बता रहे बहुनी संति नामानी, मतलब तुम्हारी जो बेटा है ना, इसकी अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत गुण है, अनंत लीला है, जिसको वेद भी जिसकी था नहीं पाता है, ऐसे ठाकुर जी की लीला ये बता रहे हैं गंगाचार्य। देखो इसकी दूसरी अर्थ, देखो ध्यान देकर सुनो, इसका दूसरी अर्थ क्या होती है। बोले वो सच, वो तो कह रहे बहु भी संति नामानी, लेकिन मैया तो बड़ी घोरी भारी, घोरी भारी, वो अपना मनमानी अर्थ लगा रही है। शायद ये ज्योतिषी बता रहे हैं बहुनी संति नामानी, मतलब तुम्हारी जो लाला है ना, इसकी बहुत सारी बहुएं होगी। बात भी सही है, कृष्ण जब वृंदावन में रहे, सौ करोड़ों गोपियों गोपियों को साथ में ठाकुर जी रास किए, जब ठाकुर जी द्वारका जाएंगे, फिर 16108 पटरानियों से ठाकुर जी शादी करेंगे। बात सही है, इनके नाम इनके रूप अलग अलग है। हाँ भले कोई बहू गोरी भी होगी, कोई बहू काली भी होगी, कोई सावर्ण वर्ण की होगी। सचमुच जो काली थी ना देखने में काली, लेकिन भैया खुश हो गए। बोले ज्योतिष अभी काम की बात बताए, भैया काली हो गोरी हो लेकिन घर में बहू होनी चाहिए, घर में बहू होनी चाहिए, क्योंकि जितना बहू होगी उतना सास को तो सेवा करेगी ना। अरे भैया तो खुश हो गई, खुश हो करके लाला को उन्होंने गंगाचार्य के चरण में लेटा दिया। बोले बाबा लाला को आशीर्वाद दो। गंगाचार्य डर गए, बोले हे भगवान कहाँ प्रेमियों को बीच में आ गया, कहाँ विश्व ब्रह्मांड का मालिक, और मेरे चरण में नीचे लेटा दिया। ऊपर ऊपर में उन्होंने थोड़ा आशीर्वाद दिया, और भैया बाबा खुश होकर भी खूब गंगाचार्य को दान करवा दिया।
जब चले गए गर्गाचार्य, इतने में जितने बड़ी बुरी गोपियां इकट्ठी हो गई, बोले ज्योतिष ने लाला का नाम क्या रखो है? बोले बड़ा बेटा का नाम रखो रखा तो बलराम, और छोटा बेटा का नाम रखा कृष्णा। बोले ये कृष्ण नाम तो ठीक है, आप देखना ये जीवा जब तक तीन बार पलट नहीं जाए ना, ये कृष्ण नाम नहीं निकलता, क्योंकि कृष्ण का सब कुछ टेढ़ा है। इसलिए ब्रज में एक भजन है, बोले तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। गोकुल तेरा टेढ़ो, मथुरा तेरा टेढ़ो, गोकुल तेरा टेढ़ो, ¡Gracias!
धूल जब मिल जाए, सब एक चीज प्रार्थना करता है।
आप भागवत पढ़ करके देखो, जब उद्धव जी ब्रज में आए और ब्रजवासियों के प्रेम को देखा, विशेष करके गोपी और राधा जी के प्रेम में जब उद्धव जी देखा, कहते ना उद्धव शुद्ध है गयो, सुनी गोपियों की बोल और ज्ञान बजाए डुबकी बाजे प्रेम की बोल। उनके प्रेम को देख करके, राधा जी की प्रेम वैचित्रता को देख करके, उनकी इतना ऊंची भाव को देख करके उद्धव तो सिद्धा हो गए। इसलिए उद्धव जी लास्ट में क्या प्रार्थना किए, क्या कभी मेरा ऐसे सौभाग्य होगा ब्रज में गुल्म लता औषधि के रूप में जन्म लू। कहते वहां जी घास बन जाओ। बोले क्यों घास बनना चाहते हो? बोले अगर घास बने रहूंगा तो जब राधा रानी गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए जाएंगे श्रृंगार करते हुए, चल कर तो जाना ही पड़ेगा, अगर अब घास बना रहूंगा तो सर को कर उनके चरण मिल पड़ेगा। बोले वहां की लता पता बनना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले अगर लता पता बना रहूंगा जब कृष्ण कंदर कंदर में कुंजे कुंजे में जब ठाकुर लीला करेंगे, ठाकुर का लीला दर्शन हो जाएगा। बोले वहां की औषधि वृक्ष बनना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले कभी बीमारी पड़े तो दवा लेना ही पड़ेगा, अगर औषधि वृक्ष बने उनके हृदय में चला जाए, उनकी हृदय में चला जाऊंगा। इसलिए वहां के उद्धव जैसे व्यक्ति इतने बड़े संत, उद्धव कौन है? कृष्ण खुद कहते हैं, बोले हे उद्धव तू मेरे जितने प्रिय है, बोले न कथा में प्रियतम आत्म ज्वनीर न शंकर, तू मेरे इतने प्रिय हो, मेरे बेटा जो ब्रह्मा वो भी मेरा इतना प्रिय है, हरि हर एकात्मा स्वयं शंकर भी इतने प्रिय नहीं, मेरी हृदय में जो विलास करने वाले अंबस आए नहीं, लक्ष्मी भी इतने प्रिय नहीं, लक्ष्मी की बात छोड़ दो, मेरे अभिन्न स्वरूप जो बलदेव प्रभु इतने प्रिय नहीं। बोले बलदेव की बात छोड़ दो, मैं भी तेरा इतना प्रिय नहीं, तू मेरे जितने प्रिय हो। उद्धव इतने प्रिय भगवान की, लेकिन उद्धव जैसे व्यक्ति भी ब्रज की धूल बनना चाहते, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति, ब्रह्मा को जगत को सृष्टि करने वाले, जब ब्रह्मा को भगवान जब अपना विभूत दिखाया, मैं कौन हूँ, ब्रह्मा भी देख करके आश्चर्य में पड़ी गई। ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या मेरा कभी ऐसे सौभाग्य होगा? बोले क्या सौभाग्य है? बोले ब्रज का बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते हैं, अगर उनको घर को सामने पत्थर बन करके बड़ा रहूं, जब वो छोटे जाति के लोग अंदर में प्रवेश करके जैसे प्यार को पत्थर के ऊपर रगड़ते हैं ना, कम से कम मेरे सर को पर प्यार रगड़ेंगे उनकी चरण धूल मिल जाएगी। मतलब जो वहां की जो छोटे जाति है इनकी भी इतने सौभाग्य है, ब्रज के इतने सौभाग्य है। शंकर भी हम सुनेंगे, शंकर भी गोपी बन करके ब्रज में आना चाहते, गोपीश्वर महादेव बन करके। इसलिए विश्व ब्रह्मांड को देखोगे, ये ब्रज रज के लिए सारा दुनिया तरसते हैं। इसलिए आज भगवान कृष्ण सोच रहे हैं, भैया क्या सोच रहे हैं कृष्ण, सबके सब ब्रज रज को क्यों प्रार्थना करते हैं? इसलिए भागवत में एक श्लोक आया है, कृष्ण खुद कहते हैं, बोले अनु ब्रजा अहम नित्यम पुए अग्रिरेणी। कहते साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दो, कृष्ण भी ब्रज का धूल पाना चाहते हैं, वो भी भक्तों का चरण धूलि पाना चाहते। बोले क्यों? बोले भक्तों का चरण धूलि अगर मेरे सर को भर पड़ेगा तो मैं भी पवित्र बन जाऊंगा। इसलिए जो तिलक है ना, ये जो तिलक है, अब तिलक की कथा सुना रहे हैं, ये तिलक क्या है? जब भगवान ने बुखार की बहाना की, भगवान बोले जो ब्रज रज देगा, जो भक्त चरण धूलि देगा उसे स्नान करने से बुखार सही होगा। नारद जी सब जगह पर गए कोई दिया ही, लेकिन जब वृंदावन में आए वृंदावन ब्रजवासियों ने दिया। फिर नारद जी उसको सर पर रख करके द्वारका में गए और वहीं पर द्वारका में ठाकुर जी को अभिषेक किया गया। ये जो धूल है ना, जो चंदन है, ये पृथ्वी में ऐसे रंग की मिट्टी नहीं मिलेगी, वो केवल द्वारका से मिलेगी, द्वारका में मिलेगा। इसलिए वहाँ का जो धूल है ये कहाँ से, ये द्वारका से ये धूल आते हैं। इसलिए आप लोगों की टीका भी लगाया गया, ठीक है ना? क्या लगाएगा? अरे बोलो, शर्म नहीं करना, शर्म तो गद्दी काम के लिए शर्म करनी चाहिए। आप देखो भगवान कृष्ण को देखो, जो कृष्ण भगवान जो तिलक लगाए ना, देख लेना ये यही तिलक लगाए है,
भगवान राम को देखो तिलक लगा, यही तिलक लगा, उर्ध पुंड तिलक लगा। हनुमान जी का जन्म तिथि है, हनुमान जी को नजर देखना, हनुमान जी कैसे तिलक, आप बताओ हनुमान जी से हम क्या बड़े होंगे, ना भगवान राम से बड़े ना भगवान कृष्ण से बड़े। जब ठाकुर जी को शर्म नहीं आता है टीका लगाने के लिए, तिलक लगाने के लिए, फिर हम क्यों शर्म करें, हम तो भारतीय है। जब कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं क्या करते हैं, तिलक लगा करके भेजते, बेटा जा तेरे विजय प्राप्त हो। तिलक लगा कर कहीं किसी काम में जाओगे ना, कभी हारोगे नहीं, सब जगह पर तुम्हारी विजय प्राप्ति हो। ये तिलक नहीं है, विजय का लक्षण है, ठीक है ना। सबके सब तिलक लगाया करो, शर्म बरम नहीं करना है, शर्म नहीं करना, खूब तिलक लगाया करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए देखो आज ठाकुर जी स्वयं है कहते, क्यों ये सबके सब ब्रज धूल चाहते, एक दिन कृष्ण सखाओं को साथ में खेलते खेलते ब्रह्मांड घटना है। और आकर के ना कृष्ण ब्रह्मांड घाट में आकर के मिट्टी खाना शुरू कर दिया। सखाओं ने बोले कन्या मिट्टी क्यों खा रहे हो, पेट खराब हो जाएगा, मिट्टी मत खाया कर। लेकिन कृष्ण मान ही नहीं रहे थे। इतने में सखाओं ने जाकर के मैया से शिकायत करके बोले, मैया आज लाला मिट्टी खा रहा है। बोले क्या, अभी तक मक्खन ने चोरी चोरी कर खाता था, मिट्टी खाना शुरू कर दिया। मैया तो हाथ में छड़ी लेकर के सीधा आई, और कृष्ण को कहां पर पकड़ा, कृष्ण का कान में एकदम सीधा। बोले अपवित्र, लेकिन जिन का नाम लेने से दुनिया पवित्र हो जाता है, कहते ना नाम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतो पीवा जह स्मरेत पुंडरीक आख्यम सब आया व्यक्त। बोले भगवान पुंडरीक आख्यम को जो स्मरण करते हैं उनको बाहर भीतर दोनों पवित्र हो जाता है। लेकिन आज मैया कहती तू अपवित्र हो। बोले बताओ तुमने मिट्टी खाई, कृष्ण एकदम सफेद झूठ बोल दी। बोले भैया ना अहम भक्षितवानं भो सर्वे मिथ्याभिसंसिनम। बोले भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ कहते हैं। बोले तू एक सत्यवादी हरिश्चंदा, ये सबके सब झूठे। बोले माँ सबके सब झूठे हैं, तू बड़ी भोली भाली हो, जल्दी की बात सुनती हो। बोले भैया तेरे को पता आज क्या हुआ। बोले क्या हुआ। बोले ये जितने सखा है ना वो घर से लड्डू कचड़ी मालपुआ चोरी चोरी करके लाते, तेरे को मैया पता मैं कभी चोरी का चीज खाता है। बोले मैया को पता, तेरे को मेरे को अच्छे तरह से पता तू क्या करता नहीं करता। मैया को पता है ना घर में चोरी करके खाता है मक्खन को, लेकिन कहते मैं चोरी चीज खाता ही नहीं। और ये लोग चोरी करके लाए मेरे को जोर जबरदस्ती कर रहे तू खा, मैं खाया नहीं। सखा लोग तो समझ गए ये तो खाया नहीं, घर में जाकर के हमारे नाम पर चुगली कर देगा। और मैं चुगली करने से पहले और ये मेरे नाम पर ये लोग चुगली कर दिए। बोले ये दाऊ भैया क्या सच, दाऊ बता कृष्ण मिट्टी खाएगी नहीं। बोले भैया अपना आंखों से मैंने देखा है मिट्टी खाते हुए, अभी कहाँ जाएंगे। बोले भैया ये जो दाऊ भैया है ना ये ऊपर में देखने में गोरो है लेकिन बड़े काले अंदर से, और मैं ऊपर से कारो हूँ लेकिन भैया मैं बड़े गोरो हूँ। यहाँ पर बड़ी अच्छी बात सुन जा रहे हैं, कहते ऊपर से बढ़ते रूप गोरे लेकिन अंदर में काले की। आप कभी ब्रज में जाओ देखना, वहां पर कहीं भी कृष्ण को अब बलदेव प्रभु को, बलदेव प्रभु तो गोरे हैं लेकिन कहीं भी आप गोरे नहीं देखोगे, सब जगह में देखोगे बलदेव प्रभु काले। बोले काले क्यों हैं, बोले कृष्ण की चिंतन करते 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 बलदेव प्रभु काले, वो अंदर से काले। कृष्ण बोले मैं काला तो ऊपर से लेकिन अंदर से गोरा। बोले अंदर में गोरे क्यों, बोले मेरे हृदय में राधा जी का निवास है और राधा रानी गोरी है, राधा रानी गोरी है। आत्मा तू राधिका है, वो कृष्ण का आत्मा श्री राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की। इतने में कृष्ण अपना झूठ को छुपाने के लिए पता नहीं कितने कसम खाना शुरू कर दिए। बोले भैया अगर बोलोगे ना मैं सूर्य का हाथ उठा करके बोल सकता हूँ, यमुना में ठारो होकर के खड़े होकर के कसम खा कर बोल सकता हूँ, ताऊ भैया का सर पर हाथ रख करके मैं बोल सकता हूँ, भैया गैया की कसम खा करके बोल सकता हूँ, भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले भैया अगर मिट्टी खाई तो मुंह से तो खाया। बोले हाँ। बोले तू तो मुंह खोल करके देख ले। कृष्ण सोच रहे थे आप भैया देखेंगे नहीं, लेकिन भैया को तो पता, हर माता को पता अपना बच्चे का करतूत, सब माता जानती है।
इतने में मैया तो धमकी लगाई, बोले मोह बल में देखना चाहता हूँ। जब उन्हें धमकी दिया इतने में कृष्ण का मुंह पट खुल गया। जब पट खुल गया इतने में कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया, ध्यान दे कृष्ण, कृष्ण की इच्छा शक्ति जो जोग माया ने देखा, अभी भी कृष्ण के मुंह में मिट्टी लगा हुआ है। लेकिन ये जोग माया करती है कि ये चीज को समझो, ये जो जोग माया ये सारे लीला को करने वाली यही है प्रभु की। कृष्ण की क्या इच्छा है, भैया मेरे को मारेंगे। अगर कृष्ण तो मुंह में मिट्टी अगर देख लिया तो एक हाथ में तो कान पकड़ कर लेती, एक हाथ में छड़ी, अगर मिट्टी देखेगा तो एक डंडा नीचे नहीं पीठ के ऊपर पड़ेगा। इतने में जोग माया ने की कि इतनी सी छोटी सी मुंह में उन्होंने अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिया। इतने नदी, इतने ब्रह्मांड, इतने शंकर, इतने तारे नक्षत्र, मैया यशोदा खुद को खुद भी अंदर में देख रहे थे। मैया तो डर गई, भैया मैं क्या लाइव लाइव में देख रही हूँ, हो ना हो मेरे लाला तो भगवान नहीं, क्योंकि भगवान की गर्भ में विश्व ब्रह्मांड है। जब मैया ने सोचने लग गई मेरे लाला तो भगवान नहीं, इतने में कृष्ण डर गए। देखो क्यों डर गए, अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ, जैसे घर में सालग्राम के लिए छोटी सी मंदिर बना करके रखी, कभी थोड़ा दूध थोड़ा मिठाई भोग लगा करके घट्टा हिला देती है, बोले तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्याम द्रविड़ तुम्हें सर्वम मम देव देव। इसलिए मैया भी मेरे लिए छोटी सी एक मंदिर बनवाएगी और वहां पर थोड़ा बातासा भोग लगा कर मेरे को भी बंद कर दे, फिर मैं जो सखाओं के साथ में लीला करते लीला करना खत्म हो जाए। कृष्ण डर गए, जब डर गए इतने में जो जोग माया थी वो भी डर गई, अरे तो उल्टा हो गया विराट रूप दिखा करके, प्रभु तो डर रहे हैं। इतने में जोग माया सारे लीला को मुंह से अंतर ध्यान कर दी, देखा वही छोटा सा मुंह और कुछ भी वहां पर है नहीं। फिर मैया काली गैया की पूछ से झाड़ा लगवाए, राय मुंह की मंत्र पढ़वा करके छिड़काव कराए, लगता है मेरे लाला में कोई अलाय वही लाई का आगे लग नहीं दिया। देखो यहाँ पर बहुत सारी शिक्षा दिया है। आप लोग ये बताओ कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं, अरे बोलो कृष्ण मिट्टी खाए कि नहीं, तो कृष्ण यहाँ पर झूठ गए से बोले मैं मिट्टी नहीं खाई। दुनिया बोलेगा जब भगवान झूठ बोले दोष नहीं, जब हम झूठ बोले हमारी तरफ से दुनिया ऐसे बोलेगा ना। देखो यहाँ पर हमारे टीकाकार कहते हैं भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि भागवत का प्रथम श्लोक में बताया सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य है। जब मातृगर्भ में आए एक साथ में 33 पर्व देवता कह रहे हैं, बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रि सत्य सत्य से जोनी निहितम च सत्य, बोले जो सत्य में जो निवास करते हैं जो त्रिकाल सनातन, अगर भगवान झूठा हो गए ना तो विश्व ब्रह्मांड झूठा हो जाएगा। फिर भगवान मिट्टी खाकर मना कैसे करती है, ये चीज को समझो। यहाँ पर दो उदाहरण देकर समझा, पहला उदाहरण बताया कि जो शब्द है ना अहम भक्सी तमानुभव, जब ये शब्दों को अलग कर देते ही होता है ना अहम, मैं नहीं मिट्टी खाई, एक अर्थ होता है। लेकिन ये शब्द को जब अलग नहीं करके एक करते हैं वो शब्दों का नाम, ये नाहम का ये संस्कृत शब्द इसकी पर्यायवाची में इसका एक अर्थ होता है ब्रह्मांड। बोले मैया तू मिट्टी की क्या बात करती हो, मैंने मिट्टी खाई देख ले, तेरे विश्वास विश्वास नहीं हो रही ना, नाहम भक्षित बोले विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, तेरे को विश्वास नहीं देख ले, जितने नदी शंकर ब्रह्मा सब मेरे अंदर में, कहते ये एक कारण है। दूसरा कारण बताए, बोले खाना किसको कहते हैं, जब हमसे कोई चीज अलग हो उसको खाना कहते हैं। लेकिन कृष्ण ने कहा भैया मैंने मिट्टी कब खाई देख ले, कि विश्व ब्रह्मांड तो मेरे अंदर में ही है, तब मैंने खाया कब, मेरे अंदर में तो विश्व ब्रह्मांड मैंने खाया कब, दुनिया तो मेरे की है। इसलिए भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ठाकुर जी बोले ठाकुर जी यहाँ पर मिट्टी क्यों खाए, बोले मिट्टी का एक नाम होता है रसा। ठाकुर जी को पता कुछ दिन बाद में थोड़ा मैं रास लीला करूंगा, पृथ्वी का क्या नाम है रसा, रसा मतलब क्या, पृथ्वी में ऐसे कोई चीज नहीं, हर चीज पृथ्वी से उठा है,
खट्टा मीठा नमकीन सब कुछ, इसलिए इसका नाम रसा। मतलब भगवान बोले रास करने से पहले थोड़ी सी रस का आस्वादन कर दू। दूसरा कारण बताए, कुछ दिन पहले पुतना को मारे, मुंह में हमने जहर खाए, जब जहर खा लिए बोले ये मुंह में जहर खा लिया, थोड़ा मिट्टी खा करके ना उसको साफ कर देते हैं। जैसे कोई गंदा हो जाए हम क्या करते हैं, मिट्टी हाथ करके साफ करते हैं ना, मानो हमने मिट्टी खा कर साफ कर दिए। यहाँ पर टीकाकर बहुत बहुत सारे अर्थ बताए, ठाकुर जी ने मिट्टी क्यों खाए। बस वृंदावन बिहारी लाल की, बस श्री कृष्ण के नैया लाल की, जय जय श्री राम। अभी अभी क्या होता है, कृष्ण देखते हैं ये ब्रज गोपियां घर में जब मक्खन मिश्री बनाते हैं, बड़े सुंदर भजन गाते गाते मेरे को बुलाते हैं, बोले आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल, आओ गोपाल दर्शन के प्यासे को जरिया सा। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल दर्शन के प्यासे को जरिया सा। कृष्ण बोले ये भी सच है, बोले भैया तुमने जो मेरे हाथ में
मणि की कंगन पहना दी थी, गर्म हो गया था, मैंने मक्खन में डाल करके ठंडा कर रहा था। बोले हाथ को तो ठंडा कर रहा था, तेरे मुंह में मक्खन कहाँ से आया? बोले भैया ये भी सच है। बोले भैया मुंह में ना एक चिट्ठी चल रहा था, और वो चिट्ठी को जब मैं हमें हटाने के लिए गया, इतने में मुंह में भी मक्खन लग गई। मैया बोली लाला जो कुछ बनाती हूँ तेरे लिए, तो मेरे अकेले लाला हो, ये सब चोरी करने का क्या जरूरत है? कृष्ण ने देखा जीवन में पहला बार चोरी किया तो बगड़ा गया, लगता है जिंदगी भर फैली थी। अभी कृष्ण हर गोपियों घर में कृष्ण मक्खन चोरी करते हैं, एक गोपी रोज रोज शिकायत करे। बोले मैया तेरे लाला मेरे घर में रोज मक्खन चोरी करता है। मैया बोली मेरे को विश्वास नहीं होता है, मेरे घर में क्या कमी है? ना लाल मैया जिनके घर में, आप कभी अभी भी नंदगांव जाओगे ना देखोगे कि कुंडा अभी है, उसका नाम है छांच कुंडा है, मतलब इतने छांच होता था पीने वाले कोई नहीं होते थे, उसको लेकर उड़ाल देते थे। कभी मैया जसोदा नंद बाबा से बोले मेरे लाला तो कमजोर हो रहा है। बोले कमजोर हो रहा है, कल मैं दूध गाय के तालाब बना दूंगा। लाला खूब तालाब में खूब गोता लगाए, खूब दूध पिए। सचमुच से नंद बाबा दूसरे दिन दूध का तालाब बनाया। इतने दूध दही की नदी यहाँ पर नल आ गया है, जहाँ पर नल आ गया किसी की कमी है? मैया बोली मेरे को विश्वास नहीं होता लाला मक्खन चोरी करता है। रंगे हाथ से पकड़वा के बोले ठीक है। कृष्ण एक दिन सचमुच से आए, इधर उधर देखा, लेकिन वो गोपी घर की कोने में छुप करके बैठी हुई थी। कृष्ण अंदर में गए, जब कृष्ण मक्खन खा लिया ना झट गोपी पकड़ लिया। बोले कहाँ जाओगे? चलो बाबा के पास में, मैया के पास में चलो। मैया मना करती मेरे लाला कहीं नहीं जाता है, चलो मैया के पास में। बोले गोपी आज छोड़ दे, मैं तो सोच रहा था अपना घर में ही मक्खन चोरी कर रहा था। बोले अपना घर में मक्खन खा रहे तभी मजा चखाते हैं। बोले गोपी तेरे पांव बढ़ना, तेरे सांस की, तेरे बिछिया की, तेरे खसम की, छोड़ दे गोपी कल से नहीं आऊंगा। बोले नहीं चलो, ले करके चल चल पड़ी। इतने में जब गई ना सामने नंद बाबा बैठे हुए थे, नंद बाबा जेठ लगते हैं, आज जेठ के सामने पर्दा करते थे, जेठ के सामने पर्दा करते थे। जेठ को देख करके अपना घूंघट उतार दी, सोचा स्त्री स्त्रियों की बात है, कृष्ण को ऊपर में कपड़े से ढक दी। लेकिन कृष्ण कौन है? ये भगवान है, ये ईश्वर है। बोले ईश्वर कहते हैं किसको? बोले अकर तुम कर तुम अन्यथा कर तुम जो सत्य ईश्वर। जब उसको ऊपर में उन्होंने कपड़े से ढक दिया ना, इतने में झट कृष्ण अपना रूप बदला करके उसका बेटा ही बन गया। जब बेटा बन गए, इतने में मैया आकर के, मैया को आकर के बुलाई दूसरे दरवाजे से। बोले मैया यशोदे। मैया बोली कहा बात है? बोले तुम मानती नहीं ना तेरे लाला मेरे घर में मक्खन चोरी करता है, आज तो रंगे हाथों से मैंने पकड़ करके लाई। लेकिन उसी समय में मैया लाला को पलंग के ऊपर में तब तक लगा के सुला दिया। बोले ये किसको लेकर? लाला तो घर में बैठा हुआ। इतने में मैया निकल कर आए। बोले क्या बात है? बोले देख तेरे लाला को पकड़ करके मैं लाई। बोले मेरे लाला तो अंदर में सो रहा है, तू तो अपना बेटे को पकड़ करके लाई। बोले अपना बेटा कैसे? वो घूंघट उतार दी ना, घूंघट खोली, बच्चे को ऊपर कपड़े से ढक दी थी। जब कपड़े को खोला ना, देखा कृष्ण नहीं उसका ही बेटा, वो उसका ही बेटे। इतने में कृष्ण अंदर में सो रहे थे, कृष्ण तो आंख को मलते मलते आए। बोले मैया तुमने देख ली, ये गोपी कितने झूठ बोलती हैं, मैं अपना घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाता हूँ, मेरे नाम पर ही ऐसे झूठ मूठ को दोष लगाती है, अगर ऐसे झूठ बोलोगी बोलेगी ना, मैं सचमुच से घर में चोरी करूंगा। वो गोपी तो अक्के बड़ी चक्की रह गई। बोली ये दरवाजा तक तो कृष्ण था, ये अभी बेटा कैसे मिल गया? पर कृष्ण अंदर से कैसे आ रहे हैं? मैया ने तो बड़े जोर से डांट लगाई, बोले तेरे को शर्म नहीं आती है? मेरे बेटा घर छोड़कर कहीं जाता नहीं है, झूठ मूठ को शिकायत करती हो। गोपी बड़ी दुखी होकर जब जा रही थी ना, कृष्ण दूसरे गली से आ गई। बोले क्यों गोपी, क्या बात है? मैंने कितने तुम्हारी पांव पड़ा, तेरे पति की, तेरी जेठ की, तेरी ननद की, तुमने मानी नहीं ना, देखा आज तेरे बेटे को मैंने चोर बना दिया, कभी भविष्य में मेरे को लेकर के आओगे ना तेरे पति को मैं चोर बना दूंगा। बोले कन्या मैं हार गई तुम जीत गए है। ऐसे ही कृष्णा किसी ब्रज गोपी घर में कृष्ण मक्खन चोरी करने के लिए गए। जब गए, इतने में वो गोपी सोच रही है, जब इसको पकड़ करके ले जाओ ना, पता नहीं कैसे बदले जाता है।
देखा अभी भी घर में बैठकर चोरी कर रहा है। बोले उसको दरवाजा बंद करके चाबी काठी लगा करके मैया को बुला करके मैं दिखाऊंगा। अभी झट चाबी काठी से बंद कर दी, ताला लगा करके लेकर के आई, मैया को लेकर के दिखाई। जब आई ना, देखा कृष्णा घर में कुछ नटखट कर रहे थे, मैया उनको उखल में घर में बांध कर रखा। देखा घर में बंधा पड़ा हुआ। बोले क्या, उसको तो मैंने ताला बंद करके चाबी काठी लेकर के आई हूँ, ये घर में बंधा कैसे पड़ा हुआ है? ये आश्चर्य चीज उसने दूसरे गोपी को बताने के लिए गए। बोले मैं क्या देख रहे हैं, एक कृष्ण को तो घर में, एक कृष्ण जसोदा के घर में। जब उसने दूसरी गोपी से बोलने सीखा, बोलने के लिए आई, देखा वो गोपी उसको गोद में बैठ कर मखन खिला दिया। बोले ये तीन दिन कृष्ण कैसे? सोचा वो तीसरी गोपी से शिकायत करने के लिए गई, बोलने के लिए गई, देखा उसको घर में कृष्ण गलते हुए। अभी जिस जिस घर में गई, देखा कृष्ण को अलग अलग रूप में हर घर में प्रभु जैसे हर गोपियों के सामने कृष्ण लीला कर रहे थे, यहाँ पर हर घर घर में भगवान लीला कर रहे हैं। इसको देख करके तो वहीं पर बेहोश होकर गिर गए, वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। जब होश आई ना, कृष्ण कहते गोपी तू ये बात समझो, मैं तेरे घर में आती हूँ। ये हर गोपियां मेरे को अभी भजन गा रहे थे ना, आज मेरी अंगना में आओ नंदलाल आओ गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया श्याम। ये गोपियां मेरे को बड़े प्रेम से बुलाती हैं, हर घर घर में ऐसे लीला करती हूँ। बोले श्री मखन चोर भगवान की। एक दिन ऐसे की गोपी आई, गोपी आकर के मैया से शिकायत की। बोले मैया लगता है ये ब्रज छोड़ करके और कहीं जाना पड़ेगा। बोले क्या हो गया? बोले तेरे लाला घर में मखन चोरी करता है। बोले एक काम करियो, मेरे जो लाला है ना अंधकार में बड़ा डरता है, ये अंधकार में रख दिया करो, मेरे लाला जाएगा नहीं। बोले मैया सो भी करके देख लिए। बोले फिर? बोले तू लाला का शरीर में जो अलंकार से श्रृंगार करते हो, हीरे जवाहरातों से, जब ये अंदर में प्रवेश करता है वो अपने आप एकदम उजाला हो जाता है। बोले इसके सारे अलंकार को मैं उतार लेती हूँ। बोले तेरे सौगंध हाथ मत लगा। बोले क्यों? बोले तेरे लाला की जो नख है ना, इसलिए ये उपनिषद कहता है जिसको ज्ञानी लोग ये ब्रह्म कहते, ये ब्रह्म है क्या चीज? कहते ये ब्रह्म क्या है? बोले भगवान की जो नख है वो नख में इतने प्रकाश है, उसी प्रकाश को ज्ञानी लोग ये निराकार ये ज्योति मानते हैं। इसलिए बोले ज्योति अभ्यंतर मध्य अतुल श्याम सुंदरम रूपम। इसलिए भैया कुछ करने का जरूरत नहीं। बोले फिर? बोले एक काम करियो, मेरे लाला तो छोटो से है, छीके को ऊपर रख दिया करो, तेरे लाला का हाथ नहीं पहुंचेगा। बोले मैया सो भी करके देख लिया। बोले फिर? घर में कोई छीना सीढ़ी बना करके रखा दिया। बोले बनाने का जरूरत नहीं, तेरे लाला बना ही लेता है। बोले कैसे? बोले ताऊ भैया थोड़ा मोटो से, उनको नीचे बैठा देते, उसको ऊपर मधुमंगल, उसको ऊपर सीता, ये खुद सबको ऊपर चढ़ जाता है, चढ़ करके उतार लेता। बोले और थोड़ा ऊंचा रख दियो। बोले वो भी करके देख लिया। बोले एक काम करो, नीचे तो मक्खन मत रखो, ऊपर तो मत रखो, बीच में रखो। बोले हमने सो भी करके देख लिया। बोले कैसे? वो मिट्टी के पात्र में होता था ना, आप देखना जो मिट्टी में ये मक्खन रहेगा वो गिली गिली दिखेगी, आज जिसमें नहीं रहेगा वो सूखा सूखा दिखेगा, है इससे पता चलता। फिर क्या करते, डंडे को लेकर ऐसे मारते हैं, जिसमें माल हो उसमें आवाज भी हो, आज जिसमें माल नहीं उसमें आवाज लगा, आज जिसमें माल है ना उसको मार करके फोड़ करके सब खा लेते। इसलिए किसी तरह से हम रक्षा नहीं कर पाते। मैया कहती है कोई बात नहीं, मेरे लाला जितने खाएगा ना मेरे से उसे दो गुना दोगुना ले जा, मेरे घर से दो गुना ले जा। बोले मैया तेरी आशीर्वाद से घर में किसी चीज की कमी नहीं। आप बोले तो फिर ये गोपियां शिकायत क्यों करने आती हैं? ये शिकायत नहीं करने आती थी। बोले भे कृष्ण जब इनके घर में जाते थे, एक बार कृष्ण दर्शन हो जाते थे, लेकिन कृष्ण जब चले जाते ना उनके मन में छटपट छटपट करने लग जाता था। क्यों? ठाकुर को दर्शन करने के लिए छटपट छटपट। इसलिए भैया क्या करती थी ये गोपियां, ये एक बहाना बना करके आया करती थी और कृष्ण को दर्शन करती इधर, लेकिन मैया इधर है, शिकायत तो मैया को देख कर करेंगे ना, मैया को देख कर नहीं करती, वो कृष्ण को देख कर बोलते। बोले क्यों?
वो शिकायत करने नहीं आई, वो तो कृष्ण को दर्शन के लिए आई, वो केवल कृष्ण दर्शन करने के लिए आती है। इसलिए एक दिन मैया यशोदा बोले कृष्ण, मैया यशोदा कृष्ण से बोली, बोले कन्हैया लगता है शादी होना तेरा बड़ा कठिन। बोले क्यों भैया, शादी नहीं होगी। बोले बताओ कोई ब्रज में तेरे को कोई बेटी दे गई। बोले क्यों। बोला ब्रज में हल्ला हो रहा है, तू मखन मखन चोरी कर रहे। बोला बताओ चोर को कोई अपना बेटी देगा। लगता है जिंदगी में कुंवारा कुंवारा रह जाओगे, तेरे शादी वगैरह नहीं होगी। कृष्ण ने देखा भैया सारा दुनिया शादी के लिए पागल, आप बताओ पढ़ाई लिखाई क्यों करते, नौकरी चाकरी क्यों करते, घर मकान क्यों बनाते, क्यों बनाते सबके सब, केवल शादी के लिए और कोई काम नहीं। शादी के लिए सारे काम करते हैं और कोई काम के लिए नहीं। बोले सारा दुनिया शादी के लिए सारे काम करते हैं, मैया कहते शादी नहीं होगी। इतने में कृष्ण बोले मैया को मैं ऐसे एग्जाम्पल दूंगा ना, मैया को विश्वास हो जाएगा मैंने मखन नहीं चोरी की। देखो क्या कृष्ण एग्जाम्पल देते हैं। बोले मैया मोरी मैंने ही मखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही मखन मखन तो छिके को ऊपर रखते हैं, बताओ कहीं विधि छिके पाए, मेरे हाथ कैसे गया, मैंने कैसे मखन कैसे खाया। बोले भैया लगता है मैं तेरे लाला ही नहीं हूँ, लगता है मेरे को किसी ने जन्म देकर फेंक दिया था, तुमने वहां से उठा कर लाल पाल रखी है, क्योंकि दुनिया मेरे को मखन चोर तू भी चोर कहते हो, मतलब मैं तेरे लाला है ही नहीं। इतना जब बोले भैया का हृदय तुम पानी द्रवीभूत हो गया। इतने में मैया ने कन्हैया को गोद में भर लेती है। मैया कहती है नहीं लाला तुमने मखन नहीं खाई, नहीं खाई। फिर कृष्ण बदला देते हैं, क्या बोलते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही मखन खाया। फिर बदला देते हैं, बोले माँ मैंने ही मखन खाया, मैंने ही मखन खाया। प्रभु जी मखन चोकर गोपियां ठाकुर जी की शिकायत लेके जाती हैं और कहती हैं भैया हरी मैया मैया हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नट खट की मटकिया हरी मैया
बार तो नहीं हो रहा है, एक बार खड़े हो जाओ, एक बार नाच लो, फिर दो बार बैठ जाते सबके साथ। Yeah.
कृष्णा 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 हरे 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 ठाकुर जी ये मक्खन क्यों चोरी कर रहे थे, इसका क्या तात्पर्य है? कभी ये मत मतलब होता है क्रोध, ना मतलब होता है मिली। ठाकुर जी किस चीज की चोरी करते हैं? बोले जहाँ पर ये काम क्रोध लोभ नहीं, बोले ये काम क्रोध कहाँ नहीं है, बोले ये संतों का हृदय नहीं है। इसलिए कहते ना संत हृदय नव नीत समाना, इसलिए वो चोरी करके नहीं जाते। विश्व ब्रह्मांड का मालिक तो वो चोरी क्या करेंगे, लेकिन ये भक्तों का हृदय को चोरी करने जाते थे, उनकी हृदय को चोरी करने जाते थे। इसलिए संतों ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण देकर समझा है। आप भी ये चीज को अच्छे तरह से समझो, ये मक्खन चोरी का तात्पर्य किया है। आप लोगों ने घर में कभी मक्खन बनाए हो? कौन कौन घर में मक्खन बनाए, हाथ उठा दो। हाँ देखो ये मक्खन कैसे बनता है, पहले दूध लाओ और दूध को गर्म करो। गर्म करना मतलब क्या है, बोले जब किसी साधक के हृदय में भगवत प्राप्ति की जो उत्कंठा जगे, ठाकुर हमें कब मिले, ठाकुर हमें कैसे मिले, यही हृदय की गर्म है। जब हृदय में उत्कंठा जगेगी फिर क्या होगा, जैसे दूध गर्म हो गया फिर उसमें जमन डालते, जमन थोड़ी सी होता है, लेकिन जब जमन डालो फिर उसमें दही जमता है। बोले भैया ये जमन क्या है, बोले हृदय में जब उत्कंठा जागे फिर ये भगवत इच्छा से हमें जीवन में फिर ये सदगुरु की प्राप्ति होती है, फिर ये सदगुरु हमें जो प्रभु का नाम देते हैं ये हो गया जमन, इसमें जमन डाल दिया, अभी हो गया दही। जब दही हो गया फिर उसको मंथन करो। बोले मंथन मतलब क्या, बोले जैसे गुरु जी से प्रभु का नाम लिया, हरि नाम लिया, अभी इसको जप करना पड़ेगा। जैसे ध्रुव महाराज पहले भगवत प्राप्ति की बड़ी उत्कंठा जगी, लेकिन अभी तक तो गुरु जी नहीं किया इसलिए प्रभु दर्शन नहीं मिला, इसलिए नारद जी को फिर प्रभु भेजते हैं। फिर नारद जी आकर के ध्रुव जी को ओम नमः भगवते वासुदेवाय फिर मंत्र प्रदान करते हैं। लेकिन जब उन्होंने मंत्र प्रदान की फिर ध्रुव महाराज क्या करते थे, त्रिसंध्या यमुना में स्नान करते थे और वो ध्रुव टीला के ऊपर बैठ करके साधन किया, ऐसे साधन करते थे तीन दिन तक उनकी अटूट ध्यान लग जाती थी। तीन दिन को बाद में जब नेत्र खुलता था वो एक बार बदरी फल खा लेते, बैर फल खा लेते थे। फिर दूसरे महीना में जब ध्यान लगाए ना फिर छह दिन तक उनको ध्यान अटूट अटूट रहता था, छह दिन बाद में थोड़ा पानी पी लेते थे, उसको बाद में फिर नौ दिन को बाद में एक बार ध्यान टूटता था, फिर उन्होंने थोड़ा हवा पी लेते थे। उन्होंने छह महीना में भगवान प्राप्त कर लिया, छह महीना में, क्यों, उनका जो भजन है अटूट था। लेकिन हमारे भजन कैसे, माला लेकर अगर बैठे भजन करते ना पांच मिनट की उसको कभी खत्म खत्म नहीं होगा, अब तो ऐसे प्रभु मिलेंगे, ठाकुर जी ऐसे मिलेंगे, ठाकुर जी कब मिलते हैं, जब हृदय संपूर्ण शुद्ध होकर के जैसे शहद डालो ना उसमें एक धागा जैसा आ जाती है, जब अटूट रूप में हमारे मन की जो धागा जब ठाकुर जी को साथ में जुड़ जाए ना तभी तो ठाकुर जी प्रसन्न होते, वो छह महीना में तभी ठाकुर जी को रहते हैं। फिर बारह दिन के बाद एक बार आप जो बैठ गए जगह पर मंथन मतलब साधन, और भगवान कलयुग में सबसे सरल साधन है। बोले क्या बोले, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में सबसे सरल उपाय प्रभु का नाम जप करो, हाथों में जो कुछ करो ठाकुर का सेवा मान कर करो, हाथों में काम करो और मुंह में ठाकुर जी की
ठाकुर, ये सबसे सरल उपाय ठाकुर जी बताया है। इसलिए साधन मंथन साधन, अब जब साधन करोगे क्या होगा, मंथन करोगे, एक तरफ में मक्खन निकलता है, दूसरे तरफ से छाछ। यदि ये मक्खन किया है, बोले जब आप भगवान के नाम जप करेंगे ना, फिर धीरे 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 चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि नाम करने से सात फल प्राप्ति होगी। पहला है चेत दर्पण मान जाना, उसके बाद में भव महाभावान श्री बात है, ये संसार जो जो आग है ये आग में भूल जाए। श्रेय कैरव चंद्रिका विकरण उदाहरण देते हैं, रात में एक फूल खिलता जिसका नाम कुमुदिनी, जिसको नाम कुमुदिनी फूल कहते हैं, जैसे चंद्रमा का किरण पड़ने पर वो फूल अपने आप खिल जाती है। भगवान के नाम रूपी जब किरण पड़ेगा हमारे जो हृदय है ना वो अपने आप खिल जाएगा, अपने आप हृदय मन खिल जाएगी। उसको बाद में बोले विद्या बहु जीवन, बोले विद्या की जो बहु है इसका जीवन क्या है, बोले भगवान के नाम है। मतलब है हम जितने लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ हम लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं इसका फल क्या है, बोले अगर तुम्हारी ठाकुर का नाम में रुचि हो गई, अगर सारा दुनिया तुमने लिखाई पढ़ाई सब कुछ कर दिया लेकिन प्रभु की नाम में रुचि नहीं हुआ ना, लास्ट में जीरो बोला है। देखना भारत में जीवन भले ही तुम जो कुछ काम करना कर लो लेकिन जब शरीर छूटेगा, जब चार व्यक्ति गद्दे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही तो बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो व्यक्ति है सब कोई बात झूठा, यही बोलते हैं ना। बोले जीवन में जितना राम कृष्ण का नाम लिया वही सत्य है, जगत में सत्य सब झूठा है। हाँ देखो हमारे गुरु जी की छोटी सी कथा सुना देते हैं, ध्यान दे कृष्ण। बोले एक समय कुछ स्टूडेंट, कुछ अच्छे लिखे बड़े बच्चे वो नदी पार कर रहे थे नाव में, और नदी बड़ी लंबी जोड़ थी। जब बीच दरिया में ये नाव पहुंच गई, उसमें कुछ बच्चे जो लिखे बड़े थे, जो सीए कर रहा था, उसने नाव वाले से पूछा, बोले भैया तेरे को सीए के बारे में कुछ पता है? बोले भैया सीए क्या होता है, मैं तो नाव चला करके दो पैसा रोजगार करके पेट पालता हूँ। बोले तुम सीए नहीं जानते? बोले नहीं। बोले भैया तेरा तो 25 वर्ष में जीवन बेकार चला गया। थोड़ी दूर जब भैया जो इंजीनियरिंग कर रहा था, बोले तेरे को इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पता? बोले वो क्या चीज है, मैं तो नाव चला कर दो पैसा कमा कर पेट पालता हूँ। बोले तुम्हारी 50 वर्ष में जीवन बेकार हो गया। और थोड़ी दूर गया जो डॉक्टरी कर रहा था, उसने पूछा डॉक्टरी के बारे में तेरे को पता है? बोले भैया मैं कुछ नहीं जानता। बोले तेरे तो 75% जीवन बेकार, अभी किया हुआ बीच दरिया में जो पहुंचा ना नाव में हो गया छेद, छेद हो गया तो पानी घुसना शुरू हो गया, कोशिश किया बंद करने के लिए बंद नहीं हुआ है, देखा था नाव डूबने वाला। इतने में नाव वाले पूछा तुम लोगों को तैरना आता है? बोले तैरना क्या आता है? बोले तैरना नहीं जानते हो? बोले मेरा तो 75% जीवन बेकार गया था, तुम्हारी अभी 100% जीवन बेकार जाएगा। अब इसको तो तैरना आता था, नाव तो डूब गया, जितने सीए बीएस सब कैसे डूब के खत्म हो गया, उसने तैरते हुए चले गए। देखो इसमें सीखा दिया हम भी जगत में बहुत लिखे पड़े हो गए। बोले भैया जितने लिखे पड़े हो गए हो लेकिन इसका जो फल है प्रभु का नाम ही है। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़े है ना, देखना जब बच्चा क्लास 5 आता है ना, परिवार वाले क्या बोलते हैं? बोले बेटा क्लास 5 में अच्छे मार्क से ले आओ, बस जीवन धन्य हो जाएगा, बच्चा जी जान लगाता है। जब 10th आता है बोले भैया ये सबसे महत्वपूर्ण है, 10th पीछे से पास कर दो, पास हो गया। जब 12th आता है बोले इसको बढ़िया मार्क ला दो ना, बड़े सब्जेक्ट कौन सा लोगे चुना जाएगा। अभी 12th हो गया, इंजीनियर कोई डॉक्टर कोई सीए करता है, बोले किसी तरह से इसको कर लो जीवन धन्य हो जाएगा। किसी तरह से पढ़ लिया, बोले दुनिया पढ़ता हूँ नौकरी ढूंढा, नौकरी ढूंढा। जब नौकरी ढूंढ लिया बोले दुनिया नौकरी करते हैं शादी करो, किस लिए इतना पढ़ाई लिखाई की नौकरी क्यों किया? शादी के लिए ना, शादी कर लो, शादी कर लेता है। बोले दुनिया शादी करता है, बच्चे जन्म दो, बच्चे जन्म दिया। बोले दुनिया बच्चे जन्म दिया, इनको पढ़ाई लिखाई करो, लिखाई पढ़ाई सिखाई। बोले इनको शादी करवाओ, शादी करवाता। ऐसे करते करते जब जीवन खत्म हो जाता है, जब वो शरीर छोड़ देता है ना, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं क्या बोलते हैं? देख तेरे को जो बोला था क्लास 5 करो, 10, 12